ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने चित्त को शांत करना, मन को सभी उलझनों से मुक्त करना, सभी चिंताएं प्रभु अर्पित कर देना, ये हमारे संपूर्ण सत्य ज्ञान की पहचान है। सत्यम शिवम सुंदरम, हम सत्य हैं तो कल्याणकारी भी हैं और आत्मा को बहुत सुंदर भी बना रहे हैं। सत्य ज्ञान हमारे पास आ गया, हमारा प्रभु मिलन हो गया, हमारी जन्म जन्म की भटकन समाप्त हो गई, हमें भक्ति का भी फल मिल गया, संपूर्ण ज्ञान हमें दे दिया बाबा ने। तो अपने चित्त को शांत करें, देख लें हमारा मन कहाँ कहाँ भटक रहा है, तृष्णाओं के पीछे, वासनाओं के पीछे, काम क्रोध अभिमान के पीछे, लोभ और मोह के पीछे, या ईर्ष्या द्वेष की उलझन में हम अटक कर रह गए हैं। क्योंकि जब तक हमने अपने चित्त को शांत नहीं किया, तब तक हम शक्तिशाली भी नहीं बन पाएंगे और सच्चे ईश्वरीय सुखों का अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। ईश्वरीय सुखों की अनुभूति हमें तब ही होती है जब हम अपने चित्त को शांत कर देते हैं। तो सभी को चाहिए अपने पास 10-12 ज्ञान की पावरफुल पॉइंट्स रखें लिखकर, अव्यक्त मुरलियों से वो पॉइंट्स बहुत मिलेंगी, उनको याद करते रहें। वो ज्ञान की पॉइंट हमारे अस्त्र शस्त्र रहेंगे जो अनेक व्यर्थ बातों को समाप्त करते चलेंगे। ज्ञान के बल से ही व्यर्थ को समाप्त किया जा सकता है। मान लो आपको चिंताएं हो रही हैं, पहले तो आपको सोचना है जिस बात की आप चिंता कर रहे हैं, क्या आपको उनकी चिंता करनी चाहिए, क्या वो बात इतनी बड़ी है जो आपकी खुशी को छीन रही है, जो आपकी शांति और चैन को आपसे चुरा कर ले जा रही है। बातें बहुत छोटी होती हैं, उन्हें सहज भाव से समाप्त कर दो, एक संकल्प कर दो कि मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा ही होगा क्योंकि स्वयं भगवान मेरा साथी है। इस संकल्प से अपने चित्त को पूरी तरह शांत कर दें। आपको कोई बड़ी चिंता हो रही है, उसको बाबा को अर्पित कर दें, संकल्प कर लें कि बाबा जो सर्व समर्थ है मेरी समस्या को हल कर देगा। अधिकार से उसको कहो कि ये कार्य आपको ही करना है। ऐसे ही और भिन्न भिन्न तरह के संकल्प जब आते हैं, वासनाओं के संकल्प, संसार को देखकर बहुत सारे संकल्प, ज्ञान का प्रयोग करें। अब तो मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है, इन विषय वासनाओं के भोग में तो मैं जन्म जन्म रहा, जन्म जन्म रही, अब तो इनसे मुक्त होने का समय है, अब तो मुझे देवत्व की ओर चलना है, अब मुझे वो सब कुछ नहीं करना है जो आज तक मैंने किया है, मुझे वो भी कुछ नहीं करना है जो संसार के अन्य लोग कर रहे हैं। अब मैंने अपना एक अलग मार्ग चुना है, पवित्रता का मार्ग चुना है, अपने को शक्तिशाली बनाने का मार्ग चुना है। ये ईश्वरीय मार्ग है जो स्वयं परम सद्गुरु ने ही हमें दिखाया है, तो मुझे तो उसे ही फॉलो करना है। बाकी सब तरफ से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। इस तरह अपने चित्त को शांत करेंगे और स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाएंगे। तो आज सारा दिन
हर घंटे में एक बार बाप दादा का आह्वान करेंगे, बुलाएंगे बाबा को और देखेंगे दोनों बाबा धीरे धीरे नीचे उतरकर हमारे पास आ गए और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। अपने को बाबा के वरदानी हाथ के नीचे महसूस करेंगे, उनसे दृष्टि लेंगे और स्वयं में ये नशा भरेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, सर्वशक्तिमान मेरा साथी है। तो आज बाबा का बार बार आह्वान करके जीवन को आनंद से भरपूर करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।